विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। परमिट लेने के बावजूद बिजली की सप्लाई चालू करने से आउटसोर्स कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना बिल्किसगंज रोड स्थित सुपर बाजार के सामने की बताई जा रही है। आउटसोर्स कर्मचारी की लाश बिजली के तारों पर टंगी हुई है। कर्मचारी की दर्दनाक मौत होना बताया जा रहा है। इधर मौके से ठेकेदार भाग खड़ा हुआ है। फोर लेन को लेकर यहां पर विद्युतीकरण का काम जारी है। यहीं पर कर्मचारियों के द्वारा कार्य किया जा रहा था। बिजली बंद करने का परमिट लेने के बावजूद बिना सूचना के अचानक बिजली चालू कर दी गई, जिसके बाद आउटसोर्स बिजली कर्मचारी हादसे का शिकार हो गया। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंच चुकी है। आउटसोर्स कर्मचारी की लाश को नीचे उतारने के लिए मशक्कत की जा रही है। इधर आउटसोर्स बिजली कर्मचारी के परिवार में मातम छा गया है। घटना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बिल्किसगंज रोड पर स्थित सुपर बाजार के सामने की बताई जा रही है। विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही से यह बड़ा हादसा सामने आया है। मृतक आउटसोर्स कर्मचारी के परिजनों के द्वारा संबंधित लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने और मृतक के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा राशि की मांग की जा रही है।